नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि आप जानते ही होंगे, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच के विवाद पर चर्चा हो रही है। तनुश्री ने आरोप लगाए हैं कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। एक डांस स्टेप जिसे करने में वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो बार बार उनसे करवाया जा रहा था। हुआ ये कि तनुश्री ने फिल्म छोड़ दी और वो अमेरिका चली गई। तनुश्री ने इस बारे में उस वक्त भी कहा और बार बार कहती रहीं। अभी तनुश्री ने कहा है कि वो उस घटना से अभी भी उभर रही हैं। अब इसी पर एक प्रतिक्रिया आई है रेणुका शाहणे की। सोशल मीडिया पर लिखी इस पोस्ट में इस एक्ट्रेस ने तीन ज़रूरी बातें कही हैं, आपको जाननी चाहिए। नाना पाटेकर अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए ही नहीं, अपने ज़बरदस्त टैलेंट और किसानों के लिए, अपनी समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई पुरुषों और महिलाओं ने उनके गुस्से को झेला है। मैंने ना तो नाना पाटेकर के साथ काम किया है और ना ही तनुश्री दत्ता के साथ, और ना ही मैंने फिल्म हॉर्न ओके प्लीज़ में काम किया है, मगर तनुश्री दत्ता की स्टोरी में कुछ बिंदु हैं जिनसे मैं खुद इत्तेफाक रखती हूँ, इन्हीं को साझा करना चाहती हूँ। तनुश्री ने साफ किया कि वो कुछ खास डांस स्टेप करने के लिए सहज नहीं थी और उसे नाना पाटेकर का उस दौरान उससे छूना पसंद नहीं आया, बावजूद इसके कि नाना पाटेकर का तनुश्री को मोलेस्ट करने का इरादा ना भी हो रहा हो तो भी क्या नाना ने, फिल्म डायरेक्टर ने या फिर कोरियोग्राफर ने उस स्टेप को चेंज करने की कोई कोशिश की जिससे तनुश्री कंफर्टेबल होती? क्या वर्क प्लेस का मतलब उस जगह से है जहां लोगों को भयभीत किया जाता है, या फिर वर्क प्लेस वो जगह होनी चाहिए जहां एक इंसान को काम करने का हेल्दी माहौल मिले? उस फिल्म में एक एक्टर को सहज महसूस करवाने के लिए अगर कोई स्टेप बदल भी दिया जाता तो क्या आसमान गिर पड़ता? हो सकता है जिस एक स्टेप के लिए तनुश्री असहज महसूस कर रही थी वो बहुत सी दूसरी एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी बात ना हो, मगर क्या इसका मतलब ये है कि फिल्म के सेट पर तमाम पुरुष उस एक्ट्रेस के खिलाफ एक हो जाएंगे? और क्या अगर उनमें से किसी की भी ये बेटी होती तो तब भी उसे यही कहा जाता कि स्टेप करने के लिए सहज महसूस करो, या वो स्टेप ही बदलने की बात करते? शायद यही फर्क है बेटी जैसी और असली बेटी होने में। दूसरी बात जो रेणुका ने कही वो ये थी कि अकेली तनुश्री के खिलाफ यहाँ ये चार आदमी ही नहीं थे, इसके अलावा भी इसके परिवार को डराने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी बुलाया गया था। क्या बकवास है ये? क्या यहाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा था? कहा गया कि राजनीतिक पार्टी चाह रही थी कि तनुश्री माफ़ी मांगे क्योंकि उसने तथाकथित महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाई है। क्या एक लड़की को वो डांस स्टेप करने के लिए मजबूर करना महाराष्ट्र को गौरवान्वित करता है? क्या महाराष्ट्र का गौरव इस बात में नहीं होना चाहिए कि हर औरत की इज्जत हो और वो एक सुरक्षित ज़िंदगी जिए? अब आते हैं इसके परिणामों पर। इन सब से किसका करियर प्रभावित हुआ? किसी भी पुरुष का तो बिल्कुल नहीं, उनके दम्भ की ही जीत हुई। इन मर्दों को इंडस्ट्री ही नहीं दूसरी जगहों से भी सपोर्ट मिला, मगर एक इंसान जिसने ये भय झेला वो तनुश्री हैं। उस घटना के निशान अभी भी उसके दिल दिमाग पर हैं। वैसे उस फिल्म के सेट से ये खबर भी लगी थी कि फिल्म का महान प्रोड्यूसर लोगों का बकाया नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो कानूनी पचड़ों में भी फंसा है। साथ ही बातें ये भी थी कि फिल्म को अंडरवर्ल्ड से फंडिंग मिली है, मगर इसमें किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे थोड़ी ना महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचती है ना? दुनिया में हर जगह शक्तिशाली पोजीशंस पर छोटे लोग होते हैं जिनकी ईगो बड़ी होती है, ये स्त्री और पुरुष दोनों हैं। जब मैं ऐसे बहुत से लोगों को अकेले इंसान के खिलाफ खेमा बनाते देखती हूँ तो वो मुझे बुलिंग लगती है, और बुलिंग किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती। ये पीड़ित से इंसान होने का हक भी छीन लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि तनुश्री बहुत बहादुर हैं, मगर वो लोग नहीं जो खुद को जीता हुआ महसूस करवाकर घूम रहे हैं।
तनुश्री के इस मामले में और भी अपडेट्स हैं जो ललन टॉप आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन आपको हमसे जुड़ना होगा। उसी के लिए आपको हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉप को लाइक करना होगा। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल को बजा दीजिएगा, एक बेल का आइकन है तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ललन टॉप की ऐप भी आ गई है, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।